अच्छा जी, मेरे पास ये कुछ पीस हैं, बचे हुए कपड़े हैं ये, तो मैं इनके कुर्ते सीने लगी हूँ अपने छोटे बेटे के। ठीक है, ये देखें, ये इतने इतने बड़े पीस हैं। तो ये जो है वो एक टी पिंक कलर है, ये प्यारा कलर है, बड़ा सॉफ्ट सा, और एक ये कलर है। ठीक है, और एक ये पीस बचा हुआ है और एक ये पीस बचा हुआ है। ठीक है, अब लॉकडाउन की वजह से जो है ना नलकियाँ नहीं मिल रही, जो सिलाई करने के लिए मुझे धागा चाहिए ना, तो वो दुकानें तो बंद हैं, तो मैंने घर से ढूंढी हैं जो मुझे नलकियाँ हैं वो। देखें, एक तो ये मिली है मुझे, थोड़ा सा डार्क कलर है लेकिन ये चल जाएगा। ठीक है, और एक ये वाली मुझे मिली है जो कि टी पिंक के साथ चल जाएगी, और इन दोनों की मुझे जो है ना नलकियाँ नहीं मिल रही हैं। तो मैंने सोचा फ़िलहाल इन दोनों की कटिंग करके जो है ना, तो मैं कुर्ते सी लेती हूँ, क्योंकि मौसम जो है वो चेंज हो गया काफ़ी, तो अब बच्चों को ना गर्मी के कपड़े चाहिए। तो मेरे पास पीस इस तरह पड़े हुए होते हैं, तो मैं छोटे बच्चे के जो है ना वो कपड़े बना लेती हूँ। तो चलिए कुर्ते की कटिंग कर लेते हैं। तो इस्त्री का जो है ना वो शू मैंने लगा लिया है, तो ये स्टोर है हमारा जहाँ पर बैठ के मैं सिलाई भी करती हूँ। तो इस्त्री करते वक्त जो है ना, कटिंग करते वक्त जो है ना, वो मैं इस्त्री इस्तेमाल करती हूँ, उससे जो है ना कटिंग वो बहुत ही अच्छी होती है। ये देखिए, पूरी कटिंग तो मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि मेरा मकसद आपको कटिंग सिखाना नहीं है, सिर्फ एक जस्ट एक वीडियो है जो मैं बना रही हूँ। तो ये देखें, ये मैंने डबल ले लिया है कपड़ा, तो इसमें से अच्छा खासा उसको आराम से एक कुर्ता बन जाएगा। तो मैं कटिंग करके ना तो फिर आपको दिखाती हूँ। ये दोनों सूट जो है ना वो मैंने काट लिए हैं, ये तो सिर्फ कुर्ता बना है। ठीक है, ये सिर्फ कुर्ता बना है। ये देखें, ये इसकी बाजू कटिंग की है मैंने। ठीक है, और ये जो है ना, ये बस पट्टी और बैंड के लिए कपड़ा बचा है थोड़ा सा। ठीक है, और ये जो है, ये देखें, ये कमीज़ का अगला और पिछला पीस है। देखिए, ये जो है ना वो इतना मैंने काट दिया है, तीरा इस तरह छूट जाएगा इसका तीरा, क्योंकि नहीं कटिंग किया, बहुत छोटा सा कुर्ता है क्योंकि ये 2.5 साल के बच्चे का। तो और ये जो है ना, इसमें से शलवार भी बन गई है उसकी। ठीक है, ये देखें, ये शलवार की भी कटिंग हो गई है, ये थोड़ा सा पीस ज़्यादा था इसका। तो अब सिलाई करती हूँ, दोनों चीज़ें कटिंग हो गई हैं। खा लिया बिस्किट अबू बकर, आपने बिस्किट खा लिया? खा लिया। कौन से कपड़े पहने हैं आपने आज? ईद मुबारक वाले। ये नए कपड़ों को कहते हैं अबू बकर ईद मुबारक कपड़े, यानी ईद वाले कपड़े। जी, अबू बकर ने है नया कुर्ता पहन लिया है और माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हैं। और पीछे हैं अबू बकर के दोस्त मोहम्मद हादी, बिस्किट खा रहे हैं दोनों, चॉकलेट खा रहे हैं। क्या खा रहे हो अबू बकर? इधर आके दिखाओ क्या खा रहे हो, क्या खा रहे हो हादी, क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो अबू बकर, आप क्या खा रहे हो? चॉकलेट वाले बिस्किट। चॉकलेट वाले बिस्किट खा रहे हो, अच्छा। हादी बहुत प्यारा नाम ले रहा है अबू बकर का। कैसे लेते हो हादी, कैसे कहते हैं अबू बकर? अबू बकर देखे माशाल्लाह तैयार हो गए हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत प्यारे लग रहे हैं। अबू बकर, कौन से कपड़े पहने हैं बेटे आपने? ईद मुबारक वाले। ईद मुबारक, जो भी नए कपड़े होते हैं वो ईद मुबारक वाले कपड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, सिल गए हैं कुर्ते माशाल्लाह, मैं एक ही करके आपको दिखाती हूँ। ये देखें, ये स्काई वाला कुर्ता सिल गया है, और इसकी पट्टी पे जो है ना वो मैंने थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर दी है। ये देखें, ये देखें, इसकी पट्टी पे मैंने डिज़ाइनिंग कर दी है थोड़ी सी। तो बाकी भी मैं आपको दिखाती हूँ। अबू बकर बहुत खुश हैं। ये कुर्ता है जी ग्रीन कलर का, अभी इसको इस्त्री नहीं किया, डार्क ग्रीन कलर है। और एक ये कुर्ता है जी,
ये देखें, ये सिंपल है, इसके सिर्फ बटन में डिज़ाइनिंग है, ये देखें, बाकी ये सिंपल है। और ये इसकी शलवार है छोटी सी, और ये अबू बकर अभी पहनेंगे, मैं आपको दिखाऊंगी जब पहनेंगे। तो एक पर्पल शर्ट में एक कुर्ता है, इस पर मैंने इस तरह जो है इसकी पट्टी के बाहर जो है ना वो मैंने लैस लगा दी है, ये देखिए। और ये वाइट कुर्ता है, इसकी साइडों पे जो है ना वो मैंने इस तरह डिज़ाइन बना दिया है, ये देखें, ये इस तरीके से दो पट्टियाँ हैं जो लगा दी है।